मिचेल स्टार्क की तूफानी गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप 2019 के 10वें मैच में वेस्टइंडीज को 15 रन से हराकर जीत प्राप्त की है। ऐसे में मैच में एक नया मोड़ सामने आया। चार विंडीज खिलाड़ी क्रिस गेल को मैच में गलत आउट दिया गया, जिसके बाद अंपायर क्रिस गैफने के गलत फैसले पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल हुआ ऐसा कि वेस्टइंडीज की पांचवी ओवर की पांचवी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने क्रिस गेल को यॉर्कर गेंद फेंकी, जो कि नो बॉल थी, लेकिन अंपायरिंग कर रहे क्रिस गैफने ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे नो बॉल नहीं दिया। बड़ी बात यह हुई कि अगली गेंद पर क्रिस गेल बोल्ड हो गए। यहाँ अगर अंपायर ने गैफने की नो बॉल को देख लेते तो नो बॉल दे देते। नियमों के मुताबिक क्रिस गेल जिस पर आउट हुए वो फ्री हिट होती, लेकिन अंपायर की इस गलती से क्रिस गेल पवेलियन जाने पर मजबूर हो गए। अंपायर के फैसले पर दिग्गज कमेंटेटर का गुस्सा फूटा। क्रिस गैफने की इस गलती पर देख कमेंटेटर कर रहे सुनील गावस्कर ने कहा कि इसे माफ नहीं किया सकता, इतने बर्दाश्त के बाहर है। गावस्कर ने सलाह दी कि थर्ड अंपायर को हर गेंद चेक करनी चाहिए, इसके मैदान पर खड़े अंपायर का बोझ कम होगा और LPW वाइड और कैच आउट